हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और अभी ना टाइम हो रहा है सुबह के 10, और मम्मी, निकिता और छोटू तीनों जने गए हैं हिमांशु भैया के घर पे। मम्मी जल्दी चले गए थे, छोटू और निकिता बाद में गए, और मैं भी थोड़ी देर से जाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी नहीं थी ना, इसलिए तो मैं जा नहीं पाया था। तो अभी छोटू को बोला है तो छोटू आ रहा है, और फिर अब मैं भी जाता हूँ उनके घर पे, कुछ काम है, देखते क्या है, समझते हैं वहाँ जाके। तो चलते हैं अभी। तो छोटू भी आ गया है मुझे लेने के लिए, तो अभी फटाफट चलते हैं। तो आ चुका हूँ मैं अभी हिमांश भाई के घर, और यहाँ पे रोड नहीं बना ना, उसके कारण देखो कितना कीचड़ हो गया। वो पूरा सामने में जो प्लॉट पड़ा है, जो खाली, वो पूरा भरा गया पानी से, और पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। गाड़ी मैंने बताया वहाँ पर लगाई आखिरी में, एकदम वहाँ पर वो दिख रही गाड़ी, वो तो वो गाड़ी हमारी वहाँ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ तक आ ही नहीं सकते ना, इतना कीचड़ हो रहा है। और हिमांश भी हमारे ये बैठे, ये आज बकरा है जो हलाल होने वाला है। और बड़ी मम्मी वहाँ बैठी है, और बड़ी मम्मी यहाँ पर बैठी है, करता नहीं गीता एक बार और करता ये नहीं गीता। और मम्मी का आज बर्थडे है, लेकिन मेरे को याद ही नहीं था हमारी बेटी को। नहीं था मैं हमारे हिमांशु भैया को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। तो आज लड़के जाते हैं, आज लड़की वाला आमतौर पर लड़के जाते हैं, बाकी आज हमारे भैया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि लड़की इनको देखे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं क्रोमा पर, हिमांशु भैया मोबाइल देखने जा रहे हैं, क्योंकि ना उनका मोबाइल जो था ना, एक उसमें डिस्प्ले डलवाई थी हमने नई अभी, और उन्हें फिर से गिरा दिया और तोड़ दिया उसको। तो अब कह रहे हैं कि नया ले लेते, तो अभी मोबाइल क्रोमा पे देखने जा रहे हैं, अगर पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो हमको सैमसंग का लेना है, लेकिन अब देखते हैं कौन सा अच्छा है, बेस्ट प्राइस में हमको मिल जाता है। और छोटे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। करना इशा बड़ा बड़ी यार। और निकिता भी जा रही बड़ेपा के साथ में फूफा जी को देखने के लिए हॉस्पिटल में। टाटा। तो गाइस, अभी जस्ट क्रोमा पे आए हैं हम, ये रहा मेरे पीछे क्रोमा। तो यहाँ भैया के लिए मोबाइल देख लेते हैं। और भैया का पहले जो मोबाइल था ना सैमसंग का, मतलब सैमसंग मोबाइल की क्वालिटी अच्छी लगती है हमको, क्योंकि उनका मोबाइल कम से कम 20-25 बार गिर गया, फिर भी चल रहा है अभी भी। और यहाँ की पुराना भी हो गया था, चेंज करना है, तो अभी देखने आए हैं अंदर। तो चलते हैं अभी अंदर, देख के आते हैं। मतलब एक ही पीस बचा है ये, तो अभी आ नहीं रहे क्या? फिर आपको A12 मिल जाएगा अभी आपको। कौन सा A12? ये अलावा अवेलेबल है ना, तो फोटो लेकर करूँगा क्या मैं? सैमसंग का छोड़ के आप दूसरे ब्रांड में जा सकते हो। तो सारे आईफोन रखे हैं यहाँ पर, iPhone 12, iPhone mini। तो गाइस, अभी हम ना अंदर मोबाइल देखने गए थे, लेकिन हमको मोबाइल ही नहीं मिला, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सैमसंग का स्टॉक जो है ना, वो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे अभी स्टॉक नहीं है सैमसंग का। तो अगली बार देख लेंगे जब भी आएंगे, मतलब अभी आएगा तो आप दोबारा देख लेना, बाकी हमको लेना आजकल में ही है, तो रुक के क्या मतलब। तो सैमसंग के स्टोर पे चलते हैं, वहाँ जाके देख के आएंगे, पहले तो वहाँ लेंगे देखेंगे। भैया का ना थोड़ा मूड हमारा ख़राब हो गया, क्यों मूड ख़राब हो गया ना, मोबाइल नहीं मिला तो मूड थोड़ा ख़राब हो गया भैया का। तो चलते हैं सैमसंग स्टोर पर देख के आते हैं मोबाइल, अगर सैमसंग स्टोर पर मोबाइल मिल जाता तो अच्छा है। और एक क्रोमा का नया ब्रांच खुली, और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस भी खुला है अभी, लेकिन अभी कोविड के कारण चालू ही नहीं हुआ, वो नया नया खुला ही है, बाकी चालू नहीं हुआ कोविड के कारण। बाकी अच्छा है, हमारे घर से पास में रहेगा बॉक्स ऑफिस, जब इच्छा होगी जब यहाँ मूवी देखने आ जाएंगे, वैसे तो दूर थोड़ा दूर जाना पड़ता है बॉक्स ऑफिस के लिए। अभी अभी हम आए हैं सैमसंग के स्टोर पर, जो कि मेरे पीछे रहा एरिया, तो सैमसंग के स्टोर पर देखते हैं मोबाइल मिलता है कि नहीं हमें। क्या हुआ? नहीं माना क्या हुआ? ये पिक्चर को रोक क्यों थी? चालू करो ना इसको, अच्छी पिक्चर आ रही है। क्या हुआ? स्टॉक नहीं है? चलो ठीक है, नहीं मिल रहा क्या? हमको यहाँ पर भी फोन नहीं मिला, वो हिमांश भैया को चाहिए A52 ना, A52 चाहिए, A52, तो वो हमको यहाँ मिले ही नहीं। अब दूसरे स्टोर पर जाके देखते हैं, क्योंकि लेना तो है ना, करना ही पड़ेगा इतना, मतलब मैं बैठा ही नहीं अभी। भैया मेरे को छोड़ के मत जाओ यार, बिठाओ गाड़ी पे। यहाँ पर भी हमारा फोन नहीं मिला, A51 है ना, A51 चाहिए ना, A51 हमको यहाँ पर भी फोन नहीं मिला है, पता नहीं A52 मोबाइल हमको यहाँ पर भी नहीं मिला है। ये सर कह रहे हैं अंदर सैमसंग से स्टॉक ही नहीं आ रहा है, तो अब देखते हैं क्या है। अब उसी को चलाएंगे थोड़े दिन तक, जो टूटा मोबाइल है उसी को चलाएंगे, ठीक है जो भी है। फिलहाल तो देख लिया यहाँ पर मिला नहीं हमें, तो चलते हैं घर ही चलेंगे, उनका करेंगे अब।
तो अभी फिलहाल आए हैं हम गाड़ी धुलवाने, क्योंकि हमारी गाड़ी थी गंदी हो गई थी बहुत, तो गाड़ी धुलवा लेते हैं। पूरी कीचड़ कीचड़ में हो गई वो, हर जगह कीचड़ कीचड़ लग गया उसका, तो अभी धुलवाने के लिए आए हैं। और एक सर्विस सेंटर ना इतना बड़ा है कि कम से कम 15-20 गाड़ी एक साथ धुल जाए इसमें, इतना बड़ा सर्विस सेंटर है ये। वहीं से बैठे हुए क्या? गाड़ी धुलवा के हम बाहर निकले ही थे कि बारिश आना चालू हो गई। भैया बता, गाड़ी को पैदल पैदल ले जा रहे ताकि कीचड़ नहीं लग जाए वापस से। तो गाड़ी धुल गई हमारी एकदम चकाचक, और इतना प्रेशर था कि हमारे गाड़ी की सीट फट गई। देख रहे हो, मतलब इतना प्रेशर था वहाँ पे। बाकी गाड़ी एकदम चक पा हो गई है, अब तो हम भी दिख रहे हैं इसके अंदर, बाकी ब्लैक कलर के दिख रहे, कलरफुल नहीं दिख रहे। तो हम नीचे क्यों बैठे हो ऐसे, कहाँ जा रहे हो? खारी लेने। खारी किसके लिए? खारी ये ना देखो, मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, मतलब पानी आ जाएगा। तुमने अच्छा रेनकोट पहन लिया क्या? तो भैया जा रहे हैं इनके फ्रेंड के वहाँ पर, तो थोड़ा सा खारी लेने के लिए जा रहे हैं। तो जाओ ना भैया, आप क्या घूम रहे हो, तो जाते क्यों नहीं हो? बाय टाटा। तो हम जा रहे हैं वापस से घर, काम हो गया था, कुछ मेहमान वगैरह आने वाले थे ईमान सुबह के यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा चलो हम भी चलते। तो सुबह सुबह से जल्दी आ गए थे, लेकिन अब वापस जा रहे घर। तो गाइस अभी अभी जस्ट घर पर आए हैं, और पूरा अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब शाम ही हो रही थी बाकी अब अंधेरा हो गया है, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। हाँ बाबू बटर, तो हमारे बाबू बटर भैया अभी आ गए है जॉब पर से, और छोटू गया था रंजित हनुमान, तो अब भी आया है जस्ट भैया के साथ में। बात ना, बैग तो अच्छा लग रहा है यार। ये बैग नहीं, ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच है। क्यों? भाई लोगों ना बहुत दिन बाद मिले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सुबह चुट्टी हो रही है, यहाँ पे थोड़ी बकलोली हो रही है यहाँ पर बैठे बैठे। और हमारे यहाँ था ना अभी तक ना लाइट चेंज नहीं हुई यार, स्ट्रीट लाइट, क्योंकि बाबू चेंज करवा स्ट्रीट लाइट यार क्या। हाँ यार देखिए ब्लॉग में कितनी परेशानी आती है, ब्लॉग ही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाइट इतनी कम है, दो ही पॉइंट चल रहा है उसके बाद, सिर्फ दो पॉइंट चल रहा है उसके, बाकी दो पॉइंट तो बंद ही है, तो मतलब कुछ उजाला ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखो ना कितना काला काला उजाला आ रहा है पूरा, और वो उस तरफ है ना एक नंबर लाइट लगा वाला स्ट्रीट लाइट, इतना शानदार है ना, पूरे गली में इतनी उजाला आता उससे, तो इतना प्यारा ब्लॉग बनता ना वहाँ पर। कभी कभी वहाँ पे ब्लॉग भी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन कोई गलत समझे इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ ब्लॉग। बाकी यहाँ पर तो अपना मस्त घर है, कोई दिक्कत नहीं पूरे। अरे जस्टिन बीबर एकदम जस्टिन बीबर वाले बाल रखते हैं, लेकिन ऊपर तो अगर भाई बाबू आया दिखा, भानु को शर्म आती है बहुत कैमरे में आने में क्या, तो इसलिए वो आता ही नहीं है ब्लॉग में कभी भी। सर को बोल दिया ना सर, सरप्राइज है। कहेगा 4 महीने बाद घूमने आने का? अरे नहीं सरप्राइज है, सरप्राइज है बस, बालों का सरप्राइज दूंगा सर को। अच्छा क्या? अभी जस्ट बाहर से हम बकलोली वगैरह करके आ गए, दोस्तों बाहर मिल गए थे, तो हम बकलोली कर रहे थे वहाँ पे। मतलब ना आजकल क्या, मैं कोई बाहर रहता नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम चालू हो गया है, अभी बाहर पानी आते रहता है, तो कोई बाहर खड़ा नहीं रहता, और फिर मैं भी नहीं जाता हूँ ज्यादा। बहुत दिन बाद आज सारे फ्रेंड्स मिले थे, बाबू भी आ गया था, वो भी लेट आता है ना आजकल, वो 11:30-11:30 तक आता है वो भी आजकल, क्योंकि वहाँ उसके क्लिनिक पे जाता है ना, तो क्लिनिक पे क्या बहुत पेशेंट वगैरह रहते हैं, वो देखना पड़ता है सारे पेशेंटों को, इस तरह टाइम लग जाता है। तो गाइस अभी ना रात के 12 बज रहे हैं, और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।